और ये नाग है, नाग ज्यादा जहरीला होता है या नागिन, या बराबर रहते हैं दोनों? जहर दोनों में बराबर है। अच्छा, जहरीला ऐसा नहीं कि कोई अधिक है कोई कम है, इस प्रकार से नहीं है, जहर आपका बराबर है इनका। नागिन बड़ी छोटी है और कहीं लुकी है नाक के नीचे, नागिन को भी थोड़ा दिखाएंगे आप। ओ ये देखिए, ये अगर दांत नहीं टूटे होते तो पता नहीं क्या होता। ये देखिए कौन सी प्रजाति है ये देखिए, कुत्ते को देख के तुरंत भयंकर फन मारते हैं। ये हड्डी डली है, क्या डला है इसमें साथ में? देखिए ये हड्डी डली है। अच्छा, ये हड्डी डली है तो इसके लिए डली है कि जैसे इसे कोई चीज की आवश्यकता, हमको खिलाना है या पिलाना है। अच्छा, अपनी इच्छा से नहीं खा रहा है तो इसे डाल के उसको थोड़ा थोड़ा खिलवा दो, उसके अंदर कर दो। हाथ करिएगा थोड़ा आप अपना, ये कितने भयंकर तरीके से ये डंक जो है हाथ में मारते हैं, आपको अंदाजा लगेगा। साथ ही साथ जो बगल में चारपाई पे बैठे हैं उनके भाई हैं, जिन्हें पिछले दिनों सांप ने काटा है, उनके हाथ में आपको दांत भी बने दिख रहे होंगे। ऐसा लगाना चाहिए कि जैसे दुश्मन को हमने पकड़ के बांध दिया है। ठीक है जी, हड्डी में देखिए आज भी निशान, देखिए यहाँ पर लगाई कैमरा आप देखिएगा, थोड़ा 5 तारीख का काट हुआ, आज भी बंद लगे हुए इनके, ये बंधों के निशान है जी। और जो इसके पीछे चलेगा, ये बड़ी बात है, थोड़ा नोटिस करिएगा, नस्तर जब लगाना है तो नसों को नहीं काटना है। नमस्कार, आप सभी का जनता के राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सपेरों की नाथों की बस्ती में आए हैं। आप देखेंगे हमारे पास एक पिटारे में नाग और नागिन बंद हैं और किस तरीके से ये फन फुला रहे हैं आप देखेंगे। वो इनके मालिक है, अगर इनके दांत ना टूटे होते तो किस तरीके से ये डंक मारते हैं। हाथ करिएगा थोड़ा आप अपना, ये कितने भयंकर तरीके से ये डंक जो है हाथ में मारते हैं, आपको अंदाज़ा लगेगा। साथ ही साथ जो बगल में चारपाई पे बैठे हैं उनके भाई हैं, जिन्हें पिछले दिनों सांप ने काटा है, उनके हाथ में आपको दांत भी बने दिख रहे होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि नागपंचमी आने वाली है, तो नागपंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से। और साथ ही साथ अगर नाग बरसात के मौसम में किसी को काटता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे खुद को बचाना है ताकि हमारी जान जो बड़ी कीमती है वो बची रहे। तो हमारे साथ नाथ संप्रदाय के एक सज्जन हैं जो विस्तार से हमें बताएंगे। इस नाग नागिन के ये मालिक हैं, नागिन बड़ी छोटी है और कहीं लुकी है नाग के नीचे, नागिन को भी थोड़ा दिखाएंगे आप। ओ ये देखिए, ये अगर दांत नहीं टूटे होते तो पता नहीं क्या होता। ये देखिए कौन सी प्रजाति है ये देखिए, कुत्ते को देख के तुरंत भयंकर फन मारते हैं। प्रजाति कौन सी इनकी? इनकी जाति है कागावंशी। अच्छा, कागावंशी। हाँ, कागावंशी जात के है ये नाग। अच्छा अच्छा, ये नाग होते हैं इसमें 6 प्रकार के नाग होते हैं। अच्छा, 6 प्रकार के नाग होते हैं, एक तामावंशी, एक फूल फिगार, एक करिया, एक कोबरा, एक भैंसा डोमी। इस प्रकार के 6 जातियां सांपों की होती है। ये क्या निकाला है इसने? इसके मुंह से जैसे सर्दी जुकाम उखाम हो जाती है आप लोगों के, हम लोगों के इसी प्रकार से इनका निकलता है। तो इस प्रकार से इनकी जातियां 6 होती हैं काले नागों की। अभी आपने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को काट ले सांप तो कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे इसका अपने शरीर के आपने या हमारी या आपकी किसी की जान कैसे ही सावधानी से रहना चाहिए। देखिए जब कभी सांप काटता है तो काटने के पहले जैसे यहाँ काट लिया, मान के चलो इस सांप ने हमें यहाँ डस लिया है, तो उसमें पहले नंबर हमको बंद लगाना है, यहाँ पर बंद लगा के इसकी खून की चाल रोक कर फिर इसमें छोटे छोटे नस्तर लगाकर और दवा लगाकर इसका इलाज कर लिया जाता है। अच्छा जी, इतना बर्ताव नहीं होता। और एक बात और बता दें हम आपको कि जैसे सांप यहाँ पर 84 जात के होते हैं, जब 84 जात के सांप होते हैं तो 6 प्रकार के सांपों में जहर होता है। ठीक है, और बाकी सब अन्य जहरीले होते हैं, तो जब जहरीला काट लेता है तो आदमी बड़े मुश्किल में, जो होशियार होता है कोई आदमी समझदार होता है तो वो बचाव कर लेता है, और जैसे नहीं समझ पाता और नहीं जा पाता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, चला जाता है। अच्छा, जो अब हम कहते हैं कि कुछ लोग झाड़ा फूंकी से ठीक कर देते हैं, तो जब झाड़ा फूंकी से ठीक तो कर देंगे उसको, जब उसमें जहर नहीं है तो वो झाड़ा फूंकी से ठीक हो जाना है, और जिसमें जहर होगा तो उसको बड़े मुश्किल में ही आदमी बचा पाता है। इस प्रकार से आदमी को अपना बचाव करना चाहिए। ये बताइए, सांप जैसे जब काट ले, मान लो ये सबसे जहरीला कौन होता है, यही प्रजाति होती कौन सी काले नागों में? देखिए इसमें जहर में अंतर है। अच्छा, किसी का तो जहर चढ़ जाता है, इस सांप को कुल में काटने से 4 घंटे आदमी ज्यादा नहीं जी सकता। अच्छा, जो इसका इलाज नहीं हुआ तो अच्छा, उसमें एक सांप और ऐसे बोलते आप लोग बोलते हो करिया गणेता, ठीक है, वो चिट्टीदार होता है, उसको हम बोलते हैं काल गिलाचा।
ठीक है, तो उसके काटने से आपको कम से कम चल जाएगा 4-6 घंटे, एक 2 दिन भी चल जाता है, 2.5 दिन भी चल जाता है आदमी के, मैं सही हूँ, जो लास्ट में उसमें इलाज सही नहीं हुआ तो उसमें वो लास्ट में भी जाता है। तो इस प्रकार से इनका जहर होता है, और जहर सब एक से ही है। फिर बात थोड़ा जाएगा, कोई सपाटे से काम कर देता, कोई अपना थोड़ा मध्यम करके काम करता। जी बताइए, सबसे जहरीला जो होता है वो कितना समय देता है आदमी को कि वो आदमी इलाज करा सके? वो 4 घंटे का समय देगा। ये अच्छा। वाला सांप है, काला है, जैसे कोबरा बोलते, मान के चलो जी काला कोबरा एक ही है, जहर इनमें एक ही होता है, इनमें जहर एक ही होता है। जी ये कुल मिला के समय देंगे आपको 4 घंटे का, 4 घंटे में इसका उपचार हो जाए, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी करके तो ठीक हो जाता है आदमी, नहीं तो इसके बाद खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। ये क्या, ये हड्डी डली है, क्या डला है इसमें साथ में? देखिए जी हड्डी डली है। अच्छा, ये हड्डी डली है तो इसके लिए डली है कि जैसे इसे कोई चीज की आवश्यकता, हमको खिलाना है या पिलाना है, अच्छा, अपनी इच्छा से नहीं खा रहा है तो इससे डाल के उसको थोड़ा थोड़ा खिलवा दो, उसके अंदर कर दो। ये देखिए फन जब फुंकारता है तो अच्छे अच्छे आदमी, हम भी शेर जाते हैं यार, डंक वहां पे मारता है ये, लेकिन सेहरन यहाँ पे पैदा हो जाती है। और जब सांस लेता है, फुंकारता है, तो इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखिएगा किस तरीके से, कितना मोटा पहले नजर आता है, सांस जैसी छोड़ता है तो ये छोटा सा लगने लगता है। और नागिन देखिए, नागिन बहुत छोटी है, नागिन का स्वरूप बड़ा छोटा है, ये ऐसा तो नहीं दौड़ के यहाँ वहाँ जाएगा, नहीं जाएगा कहीं, नहीं जाएगा कहीं, नहीं जाएगा। आपको नागिन, नागिन ये नागिन है, नागे आपको नीचे रख के दिखा दिया। अच्छा, ये नागिन है। हाँ, और ये नाग है। नाग ज्यादा जहरीला होता है या नागिन, या बराबर रहते हैं दोनों? जहर दोनों में बराबर है। अच्छा, जहरीला ऐसा नहीं कि कोई अधिक है कोई कम है, इस प्रकार से नहीं है, जहर आपका बराबर है इनका। आदमी एक तो आपने बताया कि बांध ले, बंद लगा ले, और बंद के साथ नस्तर से काट ले, ताकि ब्लड जो है वो निकल जाए। नस्तर से कैसे काटे, वो कैसे चीरा लगाए? देखिए जैसे यहाँ पर कर लिया उन्होंने, यहाँ पर कर लिया, तो यहाँ पर हमको यहाँ जैसे काटा है तो यहाँ पर हमें 2 मिनट के पहले ही बंद लग जाना चाहिए। अच्छा, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर बंद यहाँ लगना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इससे भी अधिक ज्यादा टाइम लग रहा बंद लगाने में तो फिर बंद यहाँ लगाना चाहिए। जैसे 2 मिनट यहाँ लगा है तो एक यहाँ लग जाए जरूरी, समझ लीजिए, और एक यहाँ लग जाए तो यानी 2 बंद ये काफी बचाव। बंद ऐसे नहीं लग जाए कि जैसे लोगों बागों ने लिया सो बांध दिया, उसमें उंगली डाले या कुछ रस्सी या लकड़ी डाले तो वो ढीला ना होना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसको ऐसा लगाना चाहिए कि जैसे दुश्मन को हमने पकड़ के बांध दिया है। ठीक है जी, हड्डी में देखिए आज भी निशान, देखिए यहाँ पर लगाई कैमरा, आप देखिएगा थोड़ा, 5 तारीख का काट हुआ, आज भी बंद लगे हुए इनके, ये बंधों के निशान है जी। और जो नस्तर है, इस प्रकार से इलाज किया जाता है, देखिए जी यहाँ पर जो इलाज किया, यहाँ पर छोटे छोटे जो सारे नस्तर लगे हैं। अच्छा, ये नस्तर ब्लड तक खून निकल सके, ब्लड निकाला गया इनका। ये किस चीज से किया आपने? जो ब्लेड होती है, अच्छा, ब्लेड को मंगाया जाता है, फिर उससे चोबा लगाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, उसको देख लेते हैं हम के कहाँ से, जैसे यहाँ काटा हमने, यहाँ चेक किया, यहाँ भी जहर मिला, यहाँ है जहर, कैसे खून में पता चल जाएगा? खून का मैं बता पड़ जाएगा, कोई आम आदमी भी जान सकता है, केवल आप ही लोग जान सकते हैं? नाथ लोग जान पाएंगे, आप लोग नहीं, आप तो जानोगे, आप तो ये जानोगे कि सही सही है, जो खून सही है, फिर उसको हम चेक करके बताते जाएंगे कि इसमें जहर है इसमें जहर नहीं है। इसी प्रकार से इनको यहाँ तक इनका इलाज किया गया है, जहर यहाँ तक मिला है, यहाँ से मिलने के बाद इसका जहर निकला। तो ये नाथ संप्रदाय है जिनकी जान हमेशा जोखिम में रहती है, क्योंकि यही इनका काम है, सांपों को पकड़ना, लोगों को सांप से निजात दिलाना, और साथ ही साथ इससे अपनी रोजी रोटी कमाना। और जो इनके भाई हैं, आप अपना नाम और बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद नाथ सपेरा है। गोविंद नाथ जी? हाँ। चलिए, गोविंद नाथ जी है, गाँव का नाम अभी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि हो सकता है तमाम चीज़ें होती हैं तो गांव का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन गोविंद नाथ जी जो हैं हमारे साथ जो बता रहे थे, और यहाँ पर गोविंद नाथ जी के भाई हैं जिन्हें आपको कब सांप ने काटा था? 5 तारीख को। 5 तारीख को काटा था। क्या कर रहे थे आप? पकड़ने गए थे, क्या किया था? पकड़ने गए थे। कहाँ था सांप? थाने में। थाने में था, तो पकड़ते वक्त आपको काट लिया? पकड़ लिया था, डालने में काटा। खाने अच्छा, डालने में काट लिया है। अभी भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि आप बहुत उम्र दराज हैं, आप बचपन से हो सकता है यही काम कर रहे हो, बचपन तो अभी भी सबसे ये गलतियां हो जाती हैं? हो जाती हैं। अभी केवल लोगों को काटा, हमारी बिरादरी को। अच्छा अच्छा अच्छा, 5-6 आदमियों को काटा। बताइए 5 तारीख से आज कितनी हो गई, 22-23-24-26 तारीख हो गई, मतलब 21 दिन से
चारपाई पर है मान लो ये, क्या क्या असर होता है मान लो इनके जहर का बॉडी पे, कैसे साइड इफेक्ट करता है ये? देखिए जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ये इन्होंने अटैक कर दिया तो यहाँ पर मालूम पड़ गई कि जैसे जहर ये जहाँ जा रहा है अंदर चल रहा है तो यहाँ पर आप कुछ भी मारेंगे तो असर नहीं करेगा, ये नहीं लगेगा। अच्छा, जब तक जहर है तब तक कुछ असर नहीं करेगा। हमें क्या लग रहा है, को क्या कर रहा है, और तब इसका जो जहर निकल जाए फिर अपन उसको फिर लगाएंगे उसमें, तो फिर मालूम पड़ेगा कि भाई मुझे कोई तो आम आदमी ऐसे जान सकता है और ऐसे नस्तर लगा सकता है, ऐसे नस्तर लगा सकता है धीरे धीरे करके। अच्छा, नस्तर ऐसे भी ना लगा दे कोई आदमी के उठपटांग करके नसों में दर्द काट दे, जो सारी नसें कट जाएंगी तो फिर तो वो आदमी नर्व ना कट के, तो नस्तर खाल पे ही होना चाहिए, ये विषय ध्यान करें। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि ये जहर भी ऊपर ऊपर फ्लो होगा। हाँ, ऊपर फ्लो नर्व के थ्रू ना जाके। नहीं नहीं, अच्छा एक सांप का जहर ऐसा होता है कि वो इसका जहर चलेगा मांस और खाल के बीच से, ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खाल है और मांस है, इसके बीच से चलेगा। ये बड़ी बात है, थोड़ा नोटिस करिएगा। नस्तर जब लगाना है तो नसों को नहीं काटना है, इनका जहर खाल खाल और मांस के बीच से चलता है, बीच से चलता है। चलो, इनका जहर चल गया। अब दूसरे सांप का जो जहर चलता है वो चलता है हड्डी और मांस के बीच से। अच्छा, हाँ, इनका जहर अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार से चलता है, हड्डी और मांस के बीच से चलता है वो जहर। तो ऐसा कोई जब कोई समय आता है तो फिर थोड़ा नजदीक गहरा भी लगाया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से जानकार होगा वही लगा पाएगा। जब नहीं है कोई जानकार, एक मिनट, जैसे नहीं है कोई जानकार, अचानक काट लिया तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जब भी जहाँ भी काटे, किसी को भी काटे तो उस पर थोड़ा नस्तर लगाइए और बंद लगाइए और किसी वैद्य के यहाँ जाइए उसको उपचार पे। ये बताइए, मान लो ऐसी जगह काटा है, मान लो यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो फिर भाई समस्या गड़बड़ गंभीर है। गंभीर है तो फिर गंभीर है। अब यहाँ कहीं काट लेगा तो फिर कहाँ नस्तर लगेगा, कहाँ बंद लगेगा।